गणेश चतुर्थी जो है वो मनाई जाएगी, जिसको लेकर अभी से गुजरात के अहमदाबाद में गुलवाई टेकरा में रौनक नजर आने लगी है। बीते 2 वर्षों से कोरोना के चलते लोग धूमधाम से इस पर्व को नहीं मना सके, लेकिन इस बार काफी धूमधाम से इसके रहने की आशा भी है। साथ ही भूपेंद्र सरकार ने गणेश जी की प्रतिमा को 2 से 4 फीट भी कर दिया है। इसी को लेकर हमारे गुजरात ब्यूरो चीफ प्रवण सिंह राजपूत और सहयोगी प्रीति पारेख ने मूर्ति के गढ़ गुलवाई टेकरा का भी जायजा लिया है। देखिए उत्सव को लेकर लोगों में और खास करके मूर्तिकारों में कितना उत्साह है, इसी में देखिए। जी मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज वॉच इंडिया। अभी फिलहाल मैं जो अहमदाबाद का जो गुलबई टेकरा इलाका है वहां पे आया हूँ। गुलबई टेकरा इलाका आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो गणपति महोत्सव भगवान गणेश जी का महोत्सव स्टार्ट होने जा रहा है, तब मैं ये जो गुलबई टेकरा है वहां पे भगवान गणपति की मूर्तियां का सर्जन किया जाता है। ये पूरे गुजरात में यहाँ जो मूर्तियां बनती है पूरे गुजरात में यहाँ से मूर्तियां जाती है। यहाँ बड़ी से लेके छोटी छोटी मूर्तियां भी काफी वेराइटीज में भगवान की अलग अलग तरह की मूर्तियां यहाँ पे बनती रहती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से सबसे बड़ी मूर्तियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ के छोटे बच्चे से लेके जो महिलाएं हैं वो भी भगवान की मूर्तियों को रंग रोगात करते हुए नजर आती है। मैं ये जो जो यहाँ पे दिख रही है भगवान गणपति की जो मूर्ति है उनको सजाया जा रहा है, कलर रोगान किया जा रहा है, काफी सारी वेराइटीज में कलर्स यहाँ पे की जा रहे हैं। ये जो छोटा बच्चा है वो बच्चा भी यहाँ से पीछी के साथ भगवान का कलर्स यहाँ पे कर रहा है और भगवान की मूर्ति को सर्जन करवा रहा है। जी हाँ, ऐसा भी गणपति है जैसे फिल्म फेमस हुआ था पुष्पाराज, वो पुष्पाराज के जैसे ही दिख रही है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा जिस तरह से कंपोज करके दिखा है। जो पुष्पाराज की जो मूर्ति है गणपति दादा की, इस वक्त काफी सारी वेराइटीज में मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई है। काफी फिल्म जो फेमस हुई हो फिल्म के हिसाब से भी यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई है और काफी सारी वेराइटीज में भगवान का जो रंग रोगात किया गया है काफी वेराइटीज में, वो डायमंड्स वगैरह भी यहाँ पे लगाई हुई मूर्तियां भी दिख रही है। काफी भगवान सुंदर यहाँ पे रमणीय दिखाई दे रहे हैं और काफी भगवान का एक और भी स्वरूप है जो भगवान जो रुद्राक्ष की माला है धारण करके, जैसे शंकर भगवान रुद्राक्ष की माला जो पहनते हैं उनके जो पिताश्री माने जाते हैं, ऐसे ही गणपति जी तप करने के लिए यहाँ पे हवन कुंड पे हवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भगवान जी जिस प्रकार से सरकार ने इस वक्त बड़ी मूर्ति की परमिशन दे दी गई है तो आप लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है वो बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आप इंडिया न्यूज चैनल का आभार करता हूँ और दूसरा बात के सरकार भूपेंद्र पटेल साहब का आभार करता हूँ। और ये सरकार ने दिया है इसमें बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी को रोजगार मिल रहा है, उसमें सबसे हमारी खुशी है और पब्लिक को भी उतना उत्साह है कि सरकार ने इस बार पीओपी का भी ऑर्डर दिया है तो ये सबको घर घर गणपति बिठाने का एक मौका मिल गया है। आप भी गणपति की मूर्ति परचेज करने के लिए आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से भगवान की स्थापना करेंगे? अभी हम लोग है यहाँ पे अलग अलग जगह से आए हुए हैं, चाकिसरों में ड्यूटी करते हैं हम लोगों ने सब ने मिल के सोचा है कि इस बार हम लोग यहाँ स्थापना करेंगे, इसलिए प्रतिष्ठित करने आए हुए हैं। जैसे इसरो है, इसरो में आप सार्वजनिक भगवान की मूर्ति को स्थापित करेंगे और सभी के लिए दर्शनार्थियों के लिए आप खुला रखेंगे तो उनके लिए मूर्ति परचेज करने आए हैं तो किस प्रकार की मूर्ति यहाँ से परचेज करके जाएंगे? अभी हम देखेंगे कि प्रदूषण भी होता है ज्यादा, तो प्रदूषण से मुक्ति के लिए हम मिट्टी की मूर्ति देखने के लिए आए हैं। वहाँ पीछे देखी थी मूर्ति तो वहाँ पे मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली तो हम लोग आगे आए हैं यहाँ से मूर्ति परचेज करके उनके वहाँ लेके जाएंगे। मैं प्रणव सिंह राजपूत न्यूज वॉच इंडिया गुजरात। गणेश महोत्सव नजदीक आ रहा है, थोड़े ही दिनों में गणेश महोत्सव शुरू होने वाला है तो अभी हम गणपति के जहाँ सर्जन होता है उस मार्केट में आए हैं। उसी मार्केट में कुछ लोग है जो घर में स्थापना करते गणपति की, तो यहाँ परचेज करने के लिए आए, खरीदने के लिए आए। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कैसी गणपति की मूर्ति वो पसंद करेंगे। और पहले तो मैं आभार चाहूंगा न्यूज चैनल का कि जिन्होंने ये मौका दिया है। और हम कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में हम जिसकी पहले काम करने से कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले जिसको बिठाते हैं वो है गणेश जी। और गणेश जी की आराधना करके पूरे वर्ल्ड में किसी भी कौम में किसी भी जाति में इसकी स्थापना होती है। और हम सबको भी कहते हैं कि ये गणेश जी है वो एक संस्कार का सिंचन करते हैं, परिवार को संस्कार देने वाला एक पात्र है। तो हम चाहेंगे कि सब अपने घर में अपनी सोसाइटी में अपनी सब जगह पे इसकी स्थापना करें। ये गणेश जी अपना सब कुछ काम एक नया साल सबके लिए अच्छा होता है, इसीलिए हम सालों से
गणेश जी की पूजा भी करते हैं और हमारी सोसाइटी में हम इसको बिठाते हैं और उसकी धाम धूम से पूजा करते हैं। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि इस बार कोरोना के बाद इस साल जो गणपति बहुत धूमधाम से मनाएंगे सब लोग, तो आपका क्या कहना, आप किस तरह से मनाने वाले? हाँ जी बिल्कुल, दो साल से कोरोना हुआ ना तो सब लोग डरे हुए थे और गणपति बिठाए नहीं बिठाए, तो इस साल सब ऊपर ने सरकारी गाइडलाइन के मुझे तो सबको गणेश उत्सव मनाना ही चाहिए और धाम धूम से करना चाहिए। तो क्या आप भी अपने घर पे गणपति की मूर्ति लेने के लिए, घर पे बिठाने के लिए आए हो यहाँ लेने के लिए? हाँ, हम भी घर पे ही बिठाएंगे और सोसाइटी के सब लोग हैं वो सार्वजनिक प्रोग्राम भी करते हैं और सब लोगों को करना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। मैं प्रीति पारेख, न्यूज वॉच इंडिया, गुजरात।